Hello students, this is my second chapter, the sermon of at Benares. Sermon means होते हैं जैसे जो संत जो लोग होते हैं जो अपनी बातें जो बताते हैं लोगों को दूसरों को जिन्हें हम उपदेश भी बोलते हैं, that is sermon at Benares. Benares एक place का नाम है, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक गंगा के समीप एक स्थान है, काफ़ी famous और एन होली place जिसे हम कह सकते हैं. Let's we start the lesson. गौतम बुद्ध 563 BC डैश 483 BC बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा. अब यहाँ पे समय बताया गया है कि गौतम बुद्ध का एक समय है जो 563 BC से 483 BC के बीच में रहा है. उन्होंने अपना जीवन शुरू किया सन इस सन के बीच में, एंड जिनका नाम था स्टार्टिंग में शुरुआत में जब छोटे थे या जब उन्होंने दीक्षा उनकी पूरी एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि जब वो गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध नहीं हुए थे, उसके पहले उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम. इन नॉर्दर्न इंडिया उत्तरी भारत में 812 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 ईयर्स लेटर ही रिटर्न होम टू मेरी अ प्रिंसेस. अब 12 साल की उम्र में क्या होता है, उनको स्कूलिंग की शिक्षा मतलब स्कूल की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर हिंदुओं के जो पवित्र जो ग्रंथ होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा चारों वेदों के नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे, ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद एंड यजुर्वेद, इन सब का उन्होंने अध्ययन किया. और इन 4 ईयर्स लेटर ही रिटर्न होम टू मेरी अ प्रिंसेस. और 4 साल जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वापस वह लौटे घर पर, तो उन्होंने एक राजकुमारी से शादी भी कर ली. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज अ बीफिटेड रॉयलिटी. उस शादी के बाद उनके एक पुत्र भी हुआ और फिर उन्होंने 10 साल तक बी फिटेड रॉयल्टी एक प्रकार से शाही जीवन जिया जिस प्रकार वो जी सकते थे क्योंकि वो एक राजा राजघराने के थे. एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हियर टू फोर शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइल आउट ऑफ हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन देन एन एज्ड मैन देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. अब इतनी लाइफ जी लेने के बाद 25 की उम्र में जब वो 25 साल के हो गए थे, तो द प्रिंस हियर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने 25 साल की उम्र तक अभी तक ऐसा कोई दुख नहीं देखा था अपने घर में या अपने आस पड़ोस में, कभी उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ दुख नहीं देखा था. मतलब कभी ऐसा फील उन्होंने किया ही नहीं कि संसार कितना दुखी हो सकता है, कि इस संसार में ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे लोग दुखी हो सकते हैं, इस प्रकार उन्होंने ऐसा कुछ फील ही नहीं किया था. तो यहाँ बता रहे कि 25 साल की उम्र तक उन्होंने ऐसा कुछ फील नहीं किया. लेकिन एक बार क्या होता है कि वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, जब वो एक बार शिकार करने के लिए जाते हैं तो उन्हें उनका सामना किन किन चीज़ों से होता है. सबसे पहले वो एक बीमार आदमी को देखते हैं जो बीमारी से कराह रहा था, तड़प रहा था. देन एन एजेड मैन, फिर उन्होंने एक वृद्ध आदमी देखा जो काफ़ी बूढ़ा था. देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर उन्होंने एक मृत्यु संस्कार देखा, किसी की मौत हो जाती तो वो संस्कार देखा या उसका जो उसको ले जाया जाता है जो उसकी अर्थी को लेके जाता है वो उन्होंने सीन देखा. एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, फिर उन्होंने देखा कि एक साधु कुछ पैसों के लिए भिक्षा मांग रहा है या कुछ भिक्षा मांग रहा है पैसों के लिए या कुछ ही और के लिए. तो उन्होंने चारों चीज़ें देखी. दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस बिकेम अ बेगर एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड. अब जब उन्होंने इतना ये सब कुछ देख लिया, ये सारे दृश्य देख लिए, सो मूव्ड हिम, इससे वो क्या हो गए, मूव हो गए, दैट मीन हिल गए, इससे काफ़ी उनके अंदर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कुछ परिवर्तन सा आ गया. देट ही एट वंस बिकेम अ बेगर, तो अचानक ही क्या हो गए, भिखारी बन गए. एंड वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरोज, और वे बेगर बन के भिखारी बन के वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड, संसार के बाहर चले गए या संसार में ही चले गए टू सीक, खोजने के लिए एनलाइटमेंट. एनलाइटमेंट होता है स्पिरिचुअल नॉलेज, उस आध्यात्मिक ज्ञान को खोजने के लिए चले गए. कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, कि ताकि उस ज्ञान से उन दुखों के बारे में समझ सके जिन दुखों के वो आज विटनेस बने थे, गवाह बने थे, या जिन दुखों को उन्होंने आज देखा था उनको समझ सके, या जो भी है
उसको उसके बारे में पूरी जानकारी या जानने के लिए, उस ज्ञान को लेने के लिए वो चले गए. ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ बिग ट्री. ओ ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स, उन्होंने लगभग 7 सालों तक इधर उधर घूमे एंड फाइनली और अंत में वो एक बड़े से ट्री के नीचे बैठ गए, पीपल के ट्री के नीचे बैठ गए. व्हेन ही वाउड टू स्टे अनटिल एनलाइटमेंट केम, जहाँ तक वे तब तक रहे जब तक उन्हें पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया. एनलाइटमेंट आफ्टर 7 डेज ही रिनेम्ड द ट्री द बो ट्री एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स. अब देखिए आप कि एनलाइटन्ड आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों तक वो उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पे तपस्या वगैरह की या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश की. तब उसके बाद ही रिनेम्ड द ट्री द बो ट्री, फिर उन्होंने उस ट्री का जो नाम था उसका नाम भी क्या कर दिया, बो ट्री कर दिया. एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, फिर उन्होंने दूसरों को शिक्षा देना या दीक्षा देना शुरू कर दिया और अपनी समझ को दूसरों को शेयर करना स्टार्ट कर दिया. यहाँ पे एक वर्ड आया है बो ट्री, दैट मीन आप देख सकते हैं कि कोष्टक में ट्री ऑफ विजडम लिखा हुआ है, बुद्धिमत्ता का एक पेड़ जिसका उसका नाम हो गया. एंड एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, फिर उनको उस समय बुद्धा के नाम से जाने लगा. द अवेकन और एनलाइटन मीन्स होता है जो अवेकन हो चुका है, दैट मीन जाग चुका है, संसार के कष्टों से दूर हो चुका है. एनलाइटन दैट मीन यू कह सकते हैं कि वो जिसको सभी प्रकार की समझ हो गई हो उसे बुद्धा कहते हैं. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने अपना सबसे पहला जो उपदेश दिया वो बनारस शहर में दिया. मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेज ऑन द रिवर गैंग्स, गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है बनारस को. दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, अब जो सर्मन जो सबसे पहले जो उन्होंने उपदेश दिया है ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी सुरक्षित है और उसकी वैसी की वैसी कॉपी आज भी सुरक्षित है. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. इट रिफ्लेक्ट्स, जो सर्मन है उसमें बुद्धा की विजडम को बताया गया है, यह हमें पता चलता है कि जो बुद्धा की अंडरस्टैंडिंग थी वो कितनी ज़्यादा हो चुकी थी. इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो पीड़ाएं उन्होंने जो फेस की या जो हम देखते हैं सोसाइटी में, उन सभी को लेकर के उनके माइंड में क्या क्या समझ डेवलप हुई थी वो सारी हम चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं. ना उनकी जो उन्होंने एक इंसिडेंट दिया, इंस्टेंस जिसे हम उदाहरण कह सकते हैं, उन्होंने बताया कि एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं वो, कि किसा गौतमी हेड ओन एन ओनली सन, किसा गौतमी किसी का नाम है, उसके एक पुत्र था एंड ही डाइड, और वो क्या हो गया, मर गया. इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, अब उसको इतना दुख हुआ कि अपने बच्चे को गोद में उठा करके जगह जगह घूमने लगी. पहले पर नेबर्स के पास गई और मेडिसिन के बारे में पूछा एंड पीपल और जो लोग थे वो यही बोलते थे कि शी हैज लॉस्ट हर सेंसेज, कि ये तो क्या हो गई है, पागल हो गई है. द बॉय इज डेड, क्योंकि उसकी गोद में जो बच्चा था वो तो मर चुका था. एट लेंथ किसा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, थोड़ी दूरी पर किसा गौतमी एक ऐसे आदमी से मिलती है जो उसके प्रश्नों का क्या देते हैं, उत्तर देते हैं. वो बोलते हैं कि आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन. आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, अब यहाँ पे एक वर्ड आया दी एंड सेकेंड आया दाई, दी इज ऑल फॉर्म ऑफ यू एंड दाई इज ऑल फॉर्म योर. तो वो बोलते हैं कि मैं आपको कोई मेडिसिन तो नहीं दे सकता और ना मैं आपके बच्चे के लिए कोई मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक जानता हूँ किसी फिजिशियन को जो आपकी मदद कर सकता है. एंड द गर्ल सेड, और वो गर्ल बोलती है कि प्रेयर टेल मी, प्लीज़ मुझे बताइए हु इज इट. एंड द मैन रिप्लाइड, और मैन उत्तर देता है कि गो टू सत्य मुनि द बुद्धा, ऐसा करें आप सत्य मुनि बुद्धा के पास जाएं, आपके सभी जवाब के आंसर वहीं मिलेंगे. किसा गौतमी रिपीटेड टू बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, किसा गौतमी बुद्धा के पास जाती है और रोती है और यही क्वेश्चन करती है कि
मेरे बच्चे को मेडिसिन दीजिए और इसका क्या कर दीजिए, इलाज कर दीजिए. द बुद्धा आंसर, आई वॉन्ट अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्योर इट. अब वो उससे उसको समझाना चाहते थे कि जो डेथ होती है ना वो संसार का नियम है, ये तो होगा ही, सब स्वाभाविकता है, जिस जिस इंसान ने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है. तो बुद्धा उसको किसी एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझाना चाहते हैं. तो वो बुद्धा ने उसे बोला कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए. तो जो गर्ल थी वो काफ़ी खुश हो गई क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी मुट्ठी भर सरसों के बीज लाना, और उसने प्रॉमिस भी कर दिया कि वो ये लेकर के आ जाएगी. लेकिन द बुद्धा एडेड, बुद्धा उसमें आगे एक सेंटेंस और एड करते हैं कि द मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट और फ्रेंड. कि आपको उस घर से सरसों के बीज लाने हैं जहाँ पर आज तक किसी की मौत नहीं हुई, जैसे किसी का बच्चा नहीं मरा हो, किसी का पति नहीं मरा हो, किसी के फादर मदर और किसी का कोई अन्य रिलेटिव्स नहीं मरा हो. पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पीटेड हर एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट. अब बेचारी जो किस्सा गौतमी थी वो हर घर में जा रही थी और जो लोग थे वो उस पर दया दिखा रहे थे और उसको मस्टर्ड बीज दे भी रहे थे. बट वेन शी आस्क्ड, लेकिन वो जब पूछती उन लोगों से कि डिड अ सन और अ डॉटर अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, दे आंसर्ड हर अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी. तो जब भी वो उनसे क्वेश्चन पूछती कि आपके घर में किसी डॉटर का या किसी फादर की या मदर की या किसी की डेथ हुई है आपके परिवार में, तो सब सबके सब एक ही उत्तर देते थे कि अलास बहुत दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यू, क्योंकि हम जो जी रहे हैं ना, जो जीवित लोग हैं वो तो फ्यू हैं, वो थोड़े से हैं, बट जो डेड हैं वो उनकी संख्या तो कई कई ज़्यादा है. मतलब यूँ कह सकते हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि जो जिंदा हैं वो तो बहुत कम हैं लेकिन जो मरे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, आप हमें याद दिला के हमारा दुख मत बढ़ाएं. एंड देर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट. लेकिन ऐसा एक भी घर नहीं था जहाँ पर जो बिलव्ड वन थे वो मरे नहीं हो. किसा गौतमी बिकेम वेरी वियरी एंड होपलेस, किसा गौतमी काफ़ी ज़्यादा वियरी हो गई, थक गई एंड होपलेस, उम्मीद से रहित हो गई. एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और शहर की लाइट्स को देखते हुए वो साइड में बैठ गई. एज दे फ्लिकर्ड अप एंड दे वर एस्टिंग्विश्ड अगेन, जिस प्रकार लाइट टिमटिमा रही थी, फ्लिकर दैट मीन टिमटिमाना होता है, टिमटिमा रही थी, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और दोबारा क्या हो गई थी, बंद हो गई थी. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, रात का जो घना अंधकार था उसका चारों नजर आ रहा दिखाई दे रहा था, छा गया था. एंड शी कंसिडर द फेट ऑफ मैन एंड दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड हर एंड आर एस्टिंग्विश्ड अगेन. तो वो भी ये समझ रही थी कि ये द फेट ऑफ मैन, कि मनुष्य का जो भाग्य होता है वो भी इस प्रकार टिमटिमाता है एंड वापस बंद हो जाता है. एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और वो यही सोचती है कि हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने ग्रीफ में कितनी ज़्यादा सेल्फिश हूँ, हो गई हूँ. डेथ इज़ अ कॉमन टू ऑल, येट इन हिज वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीज हिम टू इमोर्टेलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस. कि जो डेथ है ना वो तो एक कॉमन चीज़ है, मतलब सामान्य सी होने वाली चीज़ है इन दिस वैली, इस संसार में, ऑफ डिसोलेशन. And there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. और जो कोई व्यक्ति अपने सभी स्वार्थों का selfishness का surrender कर देता है तो वो उसके लिए एक रास्ता होता है कि वो immortality में जा सकता है, eternity में जा सकता है, शाश्वतता में जी सकता है. The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. बुद्धा आगे ये बात बोलते हैं कि जो मनुष्य जो जी रहे हैं या जो लिविंग बीइंग हैं संसार में, उनका जीवन काफ़ी ब्रीफ है, संक्षिप्त है, ट्रबल्ड है, परेशानी से भरा हुआ है, एंड कम्बाइंड विथ पेन, और दुखों से भरा हुआ है. फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग. यहाँ पे बता रहे हैं कि फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज डेथ. तो सिंपल सी बात इतना है कि अगर कोई किसी ने जन्म लिया है तो उसका मृत्यु निश्चित है, और ऐसा कोई नहीं है संसार में जो जिन पैदा तो हो रहा है लेकिन मरे नहीं,
क्योंकि जो ओल्ड एज जो आती है ना, उसके बाद हमें सिर्फ मृत्यु ही देखने को मिलती है। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बींग्स एज, जितने भी लिविंग बींग हैं उनको सबको डेथ का सामना करना ही है। एज, फिर आगे एक और एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स वेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जिस प्रकार कोई पका हुआ जो फल होता है पेड़ का, वो अपने आप ही क्या हो जाता है, पेड़ से नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार जो मोर्टल्स हैं वो भी जन्म तो लेते हैं लेकिन उन पर हमेशा मृत्यु का खतरा मंडराता होता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बींग ब्रोकन, जितने भी मिट्टी से बनाए हुए जो बर्तन होते हैं उनका जो एंड होता है, उनका जो खत्म होना होना होता है, जो विनाश होता है, वो टूटने से ही होता है। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स बोथ यंग एंड एडल्ट, युवाओं के लिए और वयस्क लोगों के लिए, सबके लिए ये एक ही नियम होता है। दोज हु आर फूल्स एंड हु आर वाइज, जो मूर्ख हैं और जो बुद्धिमान हैं, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, सबको मृत्यु की ताकत का सामना करना पड़ता है और उसे हारना भी पड़ता है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सब के सब मनुष्य मृत्यु के लिए सब्जेक्ट के समान है, मतलब मृत्यु के से प्रभावित होने के समान है। सब एक दिन एक ना एक दिन सबको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, सब उससे प्रभावित होंगे। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरीड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। तो यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि हु ओवरकम डेथ, अगर किसी ने मृत्यु को एक बार जीत भी लिया हो, ठीक है, या मरने वाला हो लेकिन बच गया हो, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, लाइफ में वापस आ गया हो, फिर भी कभी भी एक पिता ने अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, नॉर किन्समैन ना अपने सगे संबंधियों को या रिलेटिव्स को बचा सकता है। एक बात तो निश्चित है कि वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जब रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा रो रहे हों या रोते हैं, वन बाय वन मोर्टल आर कैरीड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। तो इस जीवन में सिंपल सी बात इतनी सी है कि आप भी उसी प्रकार से जाएंगे जिस प्रकार से किसी बैल को स्लॉटर लेके जाता है कि हाँ इसकी हत्या होने वाली है, उसी प्रकार आपको भी एक दिन यहाँ से लेकर के जाया जाएगा। सो द वर्ल्ड इज अफिक्टेड विद डेथ एंड डिके, तो जो वर्ड है, जो संसार है, अफिक्टेड वर्ड आया, दैट मीन अफेक्टेड किससे, डेथ मृत्यु से, और डिके और यहाँ की जो सड़ान भरी जिंदगी जो है, इससे जो है वो है प्रभावित संसार। देयर फोर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए जो बुद्धिमान लोग जो हैं उनको कभी दुख नहीं करना चाहिए और संसार के जो भी टर्म्स हैं उसको समझना चाहिए। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, क्योंकि ज़्यादा रो करके और ज़्यादा दुख मना करके आप दिमाग की शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसके विपरीत हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, उसका जो दुख है वो ज़्यादा का ज़्यादा होगा और जो बॉडी है वो ज़्यादा पीड़ित होगी, बीमार हो जाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेले, वो अपने आप को बीमार कर लेगा और कमज़ोर बना लेगा। पेले मतलब पीलापन उसके चेहरे पर हो जाएगा, दैट मीन वीक हो जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, क्योंकि हम जितना ज़्यादा विलाप करते हैं ना, फिर भी हम उनको नहीं बचा सकते, इसलिए ज़्यादा रोने से हमें फ़ायदा नहीं है। एंड कंप्लेन, और एंड हमें कोई शिकायत भी नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा दुख भी नहीं मनाना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड। लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हमें बताई गई है, एज अ सरमन ऑफ बुद्धा, वो कह रहे हैं कि ही हु हैज़ ड्रॉन आउट आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। अब यदि किसी ने अपने आप को दुखों से मुक्त कर लिया है तो उसने पीस ऑफ माइंड को भी प्राप्त कर लिया है। एंड ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, और जिसने सभी प्रकार के दुखों को जीत लिया है, बिकम विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, वो सभी प्रकार से दुखों से अब स्वतंत्र भी हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेगा, काफ़ी हैप्पी रहेगा, काफ़ी खुश रहेगा। समझने की बात इतनी सी है कि हम जब सब जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, इस दुनिया में मृत्यु बिल्कुल होने ही वाली है, तो हमें ऐसी घटनाओं के सामने ज़्यादा विलाप नहीं करना चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को फेस करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान ऐसा कर पाएगा वो फ्री फ्रॉम सोरो होगा एंड बी ब्लेस्ड, दैट मीन रिलैक्स रहेगा, स्टे हैप्पी रहेगा।
दैट्स द चैप्टर नाउ फिनिश्ड एंड आई होप आप सभी को काफ़ी समझ में आया होगा एंड बाकी जो चैप्टर्स होंगे हम आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़.